गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों, आज कॉनिक सेक्शन का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया था, तो आज की क्लास में हम पैराबोला पे बेस्ड एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि जो मैंने आपको कल करवाया था। मैंने आपको बताया था देर आर फोर टाइप्स ऑफ पैराबोलास, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोलास। तो जो राइट हैंडेड पैराबोला था, इसकी क्वेश्चन थी मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। जो वर्टेक्स है सभी का ओरिजिन था। डायरेक्ट्रिसेस में फोकस के कोऑर्डिनेट्स में लिख देती हूँ, a0 थे इसके, और -a0, 0a और 0 -a। डायरेक्ट्रिसेस फर्स्ट की राइट हैंडेड पैराबोला की एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -a, लेफ्ट हैंडेड की एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू +a, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स थी हमारे पास वाई इज इक्वल टू -a, और डाउनवर्ड की वाई इज इक्वल टू -a। तो इसी पे बेस्ड है हमारी आज की एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो इसको यदि हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला आता है, ठीक है। तो आपने जैसे 4a आपके पास 12 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, सॉरी, ये हमारे पास आएगा राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा आएगा? राइट हैंडेड पैराबोला। तो इसका फोकस क्या होगा फिर? 30। डायरेक्ट्रिक्स इसकी होगी x इज इक्वल टू -3। वर्टेक्स इसका ओरिजिन ही है सभी का क्योंकि स्टैंडर्ड है। और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? 4a। 4a होती सभी की लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये 12 होगी आपके पास। पॉजिटिव लेना आपने, नेगेटिव भी होगा तब भी आपने पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। सेकेंड सम इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे तो 4a 6 आएगा। तो जो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है 6 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये है आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। अब मैंने a निकाला, a की वैल्यू 3/2, तो ये जो फोकस आएगा आपका 0 3/2, और डायरेक्ट्रिक्स ये नीचे होगी y, ये इसकी क्वेश्चन y 0 होती है ना, y इज इक्वल टू -3/2, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वर्टेक्स सभी का ओरिजिन ही है, ठीक है, यही सभी आपने निकालना है सभी सम्स में। और एक्सिस कौन सा होगा? फर्स्ट वाले सम्स का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और इसका एक्सिस कौन सा? वाई एक्सिस, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। थर्ड सम इसका है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है, तो ये बना आपका लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a आपका 8 आएगा, ठीक है। तो इसमें ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है, और वर्टेक्स ओरिजिन ही है आपका, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या आएंगे? a कितना आ जाएगा आपके पास? a आएगा 2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -2 0। ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी x इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फोकस नेगेटिव होगा तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगी, ठीक है। और एक्सिस कौन सा इसका? इसका भी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। नाउ फोर्थ सम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, तो ये बना हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। इसके डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी, पॉजिटिव होगी। y इज इक्वल टू, अभी निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से कंपेयर करें तो 4a 16 आ गया। ये लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आ गई आपके पास, a आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 0 -4 और y इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, इस तरह से कर सकते। फिफ्थ वाला जो है फिर से आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, और जो सिक्स्थ वाला सम है वो फिर से आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। नौ सेवन सम है, सेवन सम में फोकस गिवन आपको 6 0, और डायरेक्ट्रिक्स गिवन एक्स इज इक्वल टू -6। तो ये कौन सा पैराबोला बना? ये राइट हैंडेड पैराबोला बना, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी एक्स इज इक्वल टू -6, तो क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 है, तो 24x हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह से एट सम है, फोकस गिवन आपको 0 -3, और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इज इक्वल टू 3,
तो ये कौन सा पैराबोला बना? डाउनवर्ड पैराबोला, 0-3, और ये डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू 3 है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होता है आपके पास, ठीक है। तो -4a कितना होगा? 3 होगा, -12 हो गया, -12y, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। नाइन्थ सम है, वर्टेक्स गिवन आपको ओरिजिन, फोकस 30 गिवन है, ये फिर से वही सम आ गया आपका, ठीक है। राइट हैंडेड पैराबोला, और जो टेंथ वाला सम है वो है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसका फोकस आपको -20 गिवन है, 00 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax करना, a आपका 2 है इसमें, -4ax करना, ठीक है। वाई ए आपका 2 है, इस तरह से करना था। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 11th, वर्टेक्स ओरिजिन है, सभी का ओरिजिन ही होगा, और 2-3 में से पास कर रहे हैं पैराबोला, और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है आपके पास, तो इट कैन बी आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। जब इसका एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा, तो ये लेफ्ट या राइट हो सकते हैं। तो हमने लिया सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको 2-3 में से पास करवाएंगे तो 9 इज इक्वल टू 4a×2 हो जाएगा आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 9/8 आ गया, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बना आपका, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12th है, वर्टेक्स ओरिजिन गिवन है, और ये पास कर रहे हैं 5-2 में से, पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और इसका जो ये है वाई एक्सिस, इसका एक्सिस है, तो इट कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, पॉजिटिव है वैसे तो अपवर्ड ही होगा, 5-2 में से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में से हम वैसे ही करना है, इसमें एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 25 इज इक्वल टू 4a×2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/8 आ जाएगा, इसमें पुट कर देना आपने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये थी हमारी 11.2 की डिस्कशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्लास में हम एलिप्स की थ्योरी डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको सारा एलिप्स करवाऊंगी, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको थोड़ा सा इसमें पढ़ना हो एलिप्स के बारे में, तो आप एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा सा पढ़ के आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।